कोरोना वबा का फैलाव, लॉकडाउन की मुश्किलात और तयारा हादसा, अहले लाहौर कार रवां ईद उल फितर पर सादगी का मुजाहरा, तफरीही मकामात की बंदिश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी और आग बरसती गर्मी से सड़कों पर सन्नाटे, शहरी घरों तक महदूद। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात का इनेकाद, बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड, जामिया अशरफिया, जामिया नईमिया, नासिर बाग, जामे मस्जिद मंसूरा में नमाज ईद अदा की गई। जामे मस्जिद दरबार हजरत मियां मीर और अंदरून लाहौर समेत वजीर खान समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। इज्तिमात में मुल्क कौम की सलामती, खुशहाली, वबा से निजात के लिए दुआ की गई। गवर्नर पंजाब की गवर्नर हाउस में नमाज ईद की अदा की। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने सीएम हाउस में नमाज ईद अदा की। वबा खदशात के सबब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिहायशगाह पर ही अहले खाना के हमराह नमाज ईद अदा की। इज्तिमात के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद, समाजी फासलों का भी खुसूसी ख्याल रखा गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में नमाज ईद की अदायगी, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। लीगी एमपी ख्वाजा इमरान नजीर ने जामे मस्जिद टाउनशिप में नमाज ईद पढ़ी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जामे मस्जिद मंसूरा में नमाज ईद अदा की। कोरोना से मुकाबले के लिए इख्तलाफात भुलाकर कौम बनकर उभरना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का ईद उल फितर के मौके पर पैगाम, परवेज इलाही का हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी खिराज तहसीन। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कौम से भारतीय मजालिम के सताए कश्मीरियों को भी याद रखने की अपील, बोले कश्मीर के पाकिस्तान का हिस्सा बनने तक खित्ते में बदअमनी खत्म नहीं हो सकती। आईजी पंजाब की जवानों के हमराह कला गुज्जर सिंह ने नमाज ईद की अदायगी। CCPO जुल्फिकार हमीद और DIG ऑपरेशन राय बाबर सईद की भी कला गुज्जर सिंह नमाज ईद के इज्तिमा में शिरकत। IG शुएब दस्तगीर की आला अफसरान के हमराह यादगार शहादा पर हाजिरी, वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों के लिए फातिहा खानी और यादगार पर फूल चढ़ाए। मीठी ईद पर नए मुल्जमान के लिए मीठी खुशियां, नैब लाहौर के अफसरान की गिरफ्तार, मुल्जमान के लिए फूलों और मिठाइयों के साथ जेलों में आमद, हमजा शहबाज, आहा चीमा, फरहान चीमा समेत दीगर के लिए सुपरिंटेंडेंट जेल के तवस्सुत से गुलदस्ते, खैर सगाली के जज्बात के तौर पर शीर खौरमा, फिरनी, चाट, शामी कबाब, दही भल्ले, बिस्किट, जूसी से तबासो। मुल्जमान को अहले खाना से मुलाकात की इजाजत भी मिल गई। यादों के शहर आबाद हो गए, शहरियों की बड़ी तादाद का शहर खमोशा का रुख, प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, फूलों और आंसुओं का नजराना, मगफिरत और गुनाहों की मुआफी के लिए दुआएं और फातिहा खाने। पांच हजार से जायद मसाजिद, 190 खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात, सिक्योरिटी के लिए 7000 पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी दी। DIG ऑपरेशन राय बाबर सईद का शहर के मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा, DIG ऑपरेशन बादशाही मस्जिद भी गए। ट्रैफिक इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए CTO का भी मुख्तलिफ सड़कों का दौरा, सैयद हमाद आबे ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों से ईद मिले, तारीफी असनाद दी और नकद इनामात से भी नवाजा। लॉकडाउन के सताए बच्चों ने जंगल में मंगल कर दिया। मीडन रोड पर लगे झूलों पर खूब हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, चिंची सवारी से भी दिल लगी। म्यूजियम, पार्क, चिड़ियाघर देखने से महरूम रह जाने वालों का कोरोना से शिकवा, लॉकडाउन को ईद फीकी पड़ने की वजह करार दे दिया। गवर्नर पंजाब की अहलिया के हमराह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद, ईद की खुशियां बच्चों के साथ मनाएं, केक काटा और तहफ तकसीम किए। चौधरी मोहम्मद सरबर बोले, कोरोना वायरस से मुल्क के हालात खराब हुए, अवाम कोरोना को संजीदगी से लें, घरों में रहें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का कोर्ट लखपत जेल का दौरा, ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए मामूली जुर्म में मुलव्वस 34 कैदियों की रिहाई का हुक्म, मर्दों खवातीन कैदियों और बच्चों में तहफ तकसीम किए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने सजा याफ्ता अंडर ट्रायल खवातीन और जहनी माजूर कैदियों की तफसीलात तलब की। ईद की खुशियों में मसरूफ लाहौर ये जोश में होश ना भुला डालें, खुशी के तीनों रोज मौसम शदीद गर्म रहेगा,
आइंदा हफ्ते तेज आंधी के साथ बारिश होगी। इकहत्तर रोज में कोरोना वबा से 123 अमवात, मुतासरा शहरियों की तादाद बढ़कर 8,805। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के 517 मुसद्दका मरीज है इलाज, 63 आईसीयू में दाखिल, 28 की हालत तश्वीशनाक करार। वज़ीर-ए-आला की PK-83/03 के शहीद कैप्टन सज्जाद गुल की रिहाइशगाह अहमद, लवाहिकीन से तैयारे के हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार, शहीद कैप्टन की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार अर्बन यूनिट के सरबराह खालिद शेरदिल के घर भी गए, शहीद की मगफिरत, बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ मांगी। ईद तो आई मगर बहुत से सदमे भी साथ आए। तैयारा हादसे के बाद ईद के रोज भी लाहौर की फजा सोगवार, एयर होस्टेस अनम के घर ताजियत करने वालों का तांता बंधा रहा। अहले इलाका भी कौम की बेटी की नागहानी मौत पर अफसुरदा, भाई के मुताबिक अनम की लाश की शिनाख्त तहाल नहीं हो सकी। हर आंख अश्कबार, हर दिल हुआ फिघार, अंसार नकवी भी तैयारा हादसे में शहीद। अंसार नकवी की शहादत पर सिटी न्यूज फैमिली गमजदा और दिल गिरफ्तार है। आज़ादी इजहार के अलमबरदार, सहाफती रिवायात के अमीन, सच्चे और बासूल इंसान ने सिटी 42 को नई जहतों से नवाजा और अवामी पसंदीदगी की सनत दिलाई। अंसार नकवी की शहादत पर सियासी और समाजी रहनुमा और सहाफी बरादरी भी गमजदा। वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब बिलाल भुट्टो जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ समेत सहाफी रहनुमाओं की जानिब से इजहार तासीर। अंसार नकवी को सहाफती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश, मगफिरत के लिए दुआएं। बहुत धीमा मिजाज रखते थे, कभी उनकी आवाज बुलंद नहीं सुनी, कहका भी वो बहुत ही यानी सोबर तरीके से लगाते थे। शख्सियत बहुत मेहरबान, हर एक के साथ दोस्ताना ताल्लुक, हमारे साथ वो उसकी खैर थी और वो बढ़ते बढ़ते एक मैं समझता हूँ कि फ्रैगनेंस की असर चलेगी। 42 की ये तो रीढ़ की हड्डी थे, वो सब वो बहुत ही नफीस शख्स थे, बहुत ही खास इंसान थे। उन्होंने सहाफत में बहुत ही जाफिसानी, ज्ञानदारी और पर्सनालिटी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दी। मेरे लिए उनका दर्जा जो है बड़े भाई का रहा है, तो हमेशा बड़े भाई की तरह हमेशा गाइड करने वाले, बहुत शफीक इंसान, बेहतरीन प्रोफेशनल, बेहतरीन काम करने वाले, अपनी टीम को साथ लेके चलने वाले, तो बहुत एक ज़बरदस्त टीचर। खानदान से ज़्यादा, अपने खानदान के लोगों से ज़्यादा हमारे आपस में रहा। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की जानिब से सैयद अंसार नकवी की शहादत पर दुख का इजहार। शहीद के अहले खाना और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ इजहार हमदर्दी। बोले सैयद अंसार नकवी इंतहाई पेशावर सहाफ़ी थे, उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल ने भी सैयद अंसार नकवी की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। बोले अंसार नकवी की वफात मीडिया इंडस्ट्री के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। लिबर्टी गोल चक्कर पर तैयारा हादसे में शहीद होने वालों के बुलंद दर्जात के लिए दुआया तकरीब, शुहदा की याद में शमे रोशन। दुआया तकरीब का अहतमाम अंजुमन शहरियान लाहौर की जानिब से किया गया, ताजिर रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुर्गी सस्ती बिकवाने के दावे, टाएं टाएं फिश। वजीर सनत के 260 रुपए किलो ऐलान के बावजूद मुर्गी की फरोख्त 350 रुपए किलो पर धड़ल्ले से जारी रही। पंजाब हुकूमत की मशीनरी ब्रायलर चिकन का नेकनामा बहाल करवाने में नाकाम। सब्दाजार में डकैती वारदात, 5 डाकू खवातीन को यरगमाल बनाकर लाखों मालियत का सामान ले उड़े। डाकू 10 तोले सोना, 2 लैपटॉप, कपड़े, घड़ियां और दीगर कीमती सामान ले गए। मुतासरा शहरी ने इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दे दी, पुलिस का जल्द मुल्जिमान गिरफ्तार करने का दावा। लिंक कैनाल रोड पंजाब यूनिवर्सिटी पर जाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से ईद मुबारक के बैनर्स आवेजा। बैनर्स पर महमूदुर रशीद, वजीर आजम और वजीर आला की दो हैकल तस्वीर आवेजा। पीएचए टीपा के कवानीन में बैनर्स ममनू, तशहीरी मुहिम बिला मुआवजा नहीं हो सकती। वाइस चांसलर के ईयू खालिद मसूद गोंदवल का न्यू हॉस्पिटल का दौरा, जेरे इलाज कोरोना मरीजों की आयादत, ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर नर्सिस में ईदी भी तकसीम की। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज का सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा, जेरे इलाज मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा।
कौमी अम कमेटी ब्राय बैन मजाहब हम आहंगी की जानब से ईद के काटने की तकरीब। चेयरमैन पंजाब खलील कामरान ने किया काटा। तयारा हादसे में शहीद होने वाले अफराद की मगफिरत के लिए खसूसी दुआ। और शहरियों की बड़ी तादाद ने खाबों और होटल्स का रुख कर लिया। कोरोना SOPs के तहत डाइनिंग सर्विसेज पर पाबंदी, पार्सल ले जाने का सिलसिला जारी। जबकि गर्म मौसम में लुत्फ उठाने के लिए शहरियों ने आइसक्रीम शॉप्स का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सब आइसक्रीम से महसूस हुए।